इसराइल हमास युद्ध के बीच लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमला करने के लिए हूती ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और अब तो हूती का कहना है कि उसके पास नई बैलिस्टिक मिसाइलें भी आ चुकी है जिनकी रेंज 1900 किलोमीटर तक है। और यही वजह है कि हूती अब ताल ठोक कर कह रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हूती ने एक बार फिर से एक ऐसा ही हमला किया है। दरअसल अमेरिकी सेना का कहना है कि हूती ने लाल सागर में ग्रीक के मालिकाना हक वाले मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला किया है, जिसकी वजह से जहाज में पानी भरने लगा है और उसके इंजन रूम को बुरी तरह से नुकसान हुआ है। वहीं ब्रिटेन की रॉयल नेवी की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है कि उसने यमन के होदेदा बंदरगाह से दक्षिण पश्चिम में करीब 122 किलोमीटर दूर जहाज पर हमले की सूचना मिली। हालांकि इस हमले में चालक दल के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं हूती ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हूती का कहना है कि उसने लाइबेरियन झंडे वाले ट्यूटर जहाज पर हमला किया है। हूती का कहना है कि उसने इस जहाज पर एक समुद्री ड्रोन से हमला किया। इसको लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का भी बयान आया है। उनका कहना है कि इस जहाज पर हमला करने के लिए एक समुद्री ड्रोन, कई ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। والقوه الصاروخيه وسلاح الجو المسير في القوات المسلحه اليمنيه عمليه عسكريه نوعيه استهدفت سفينه توتور في البحر الاحمر وذلك بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيره والصواريخ البالستيه وقد ادت العمليه الى اصابه السفينه اصابه بالغه وهي معرضه للغرق بفضل الله وقد تم استهداف السفينه لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. इस हमले के अलावा हूती ने कब्जे वाले फिलिस्तीन पर दो संयुक्त हमले करने का भी दावा किया है। हूती का कहना है कि उसने इराकी प्रतिरोधी समूह के साथ मिलकर कब्जे वाले इदूद और हाइफा पर अटैक किए हैं। हूती के मुताबिक इदूद में इजरायली टारगेट पर पंख वाली मिसाइलें दागी गईं और हाइफा में कई ड्रोन से हमला किया गया। ونفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية. الأولى استهدفت هدفا حيويا في مدينة إسدود بصواريخ مجنحة والعملية الأخرى استهدفت هدفا مهما في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح. वहीं इस हमले को लेकर अमेरिका की सेंटकॉम का कहना है कि हूती ने समुद्री ड्रोन से जहाज पर हमला किया। ये जहाज हाल ही में रूस में रुक कर आया था। सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा कि हूती के इस हमले से जहाज में गंभीर रूप से पानी भरने लगा और इंजन रूम को नुकसान हुआ है। सेंटकॉम ने तीन एंटी क्रूड मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया जो पिछले 24 घंटों में हूती के नियंत्रण वाले इलाकों से दागी गई थी। इसके साथ ही एक ड्रोन को लाल सागर के ऊपर मार गिराया गया। हूती का ये दुर्भावनापूर्ण और लापरवाह व्यवहार क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और लाल सागर तथा एडन की खाड़ी में नाविकों के जीवन को खतरे में डालता है। आपको बता दें कि हूती के इन हमलों की वजह से दुनिया का शिपिंग कारोबार पूरी तरह से चरमरा गया है, क्योंकि लाल सागर से दुनिया का कुल 12% शिपिंग कारोबार होता है और हूती के हमलों की वजह से अधिकतर कंपनियों ने इस रूट से अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है और अब वो अफ्रीका से होते हुए अपने जहाजों को भेज रही है, जो न सिर्फ खर्चीला है बल्कि काफी लंबा रूट भी है।